सबसे पहले हमने सिटी ऑफ जॉय में शुरुआत की आइकॉनिक विक्टोरिया मेमोरियल से। विक्टोरिया मेमोरियल 1921 में क्वीन विक्टोरिया की याद में बना था। इसकी एंट्री है 30 रुपीज पर पर्सन। नेक्स्ट हम गए फेमस कोलकाता जू देखने। वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। वहाँ हमने बंगाल टाइगर भी देखा और हमारी बेबी बहुत ही एक्साइटेड हो गई। कोलकाता जू की एंट्री है 30 रुपीज पर पर्सन। कोलकाता में बहुत से खूबसूरत ब्रिजेस हैं। हावड़ा ब्रिज तो वर्ल्ड फेमस है ही, साथ ही दूसरे ब्रिजेस भी आर्टिस्टिक हैं। बलवंत सिंह ईटिंग हाउस कोलकाता का 100 साल पुराना फूड जॉइंट है और यहाँ दूध कोला, चाय, लूची और चना बहुत ही मशहूर है और साथ ही स्वादिष्ट भी। बाबू घाट कोलकाता का फेमस घाट है हुगली रिवर के पास। यहाँ पर आपको कोलकाता के बहुत से ट्रेडिशनल बोट्स दिखेंगे और लोकल दुकानों से यहाँ कुल्हड़ में चाय पीना मजेदार एक्सपीरियंस है। कोलकाता में अगर बिरयानी खानी है तो अरसलान की बिरयानी सबसे टेस्टी है। इसके अलावा ढाकरे स्ट्रीट का झाल मुड़ी और पुचका बहुत ही लजीज है। गिरीश चंद्र डे और नकुर कोलकाता की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है। 175 years old। दुकान ही नहीं, यहाँ तो पूरी गली ही मिठाइयों की दुकानों से भरी है। यहाँ बहुत अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ हैं। और इसके पास ही है रविंद्रनाथ टैगोर का घर जो अब म्यूजियम है। कोलकाता में रहने के लिए बहुत से अच्छे होटल हैं, लेकिन हमने चूज किया ITC रॉयल बंगाल को। उनकी हॉस्पिटैलिटी आपका दिल जीत सकती है और खाना भी लाजवाब है। पर डे कॉस्ट यहाँ रहने का है 8,000 रुपीज विद ब्रेकफास्ट, कॉकटेल्स एंड हाई टी। ITC रॉयल बंगाल के पास ही है साइंस सिटी। यहाँ मोशन सिम्युलेटर राइड्स, केबल कार, मिरर मेज, डायनासोर पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन्स आप देख सकते हैं और इसकी एंट्री है 60 रुपीज। बंगाली खाना खाने के लिए हम गए 6 बालीगंज प्लेस। इनके ट्रेडिशनल बंगाली डिशेस जैसे फिश फ्राई और डाब चिंगली बहुत ही टेस्टी थे। साथ ही ट्राई किया कुसुम रोल्स जो पार्क स्ट्रीट पर है और पीटर कैट जो फाइन डाइन की जगह है। यहाँ का चेलो कबाब्स जो है राइस विद कबाब्स एंड एग इज जस्ट टू गुड। हमने जो कोलकाता में मिस किया वो था इको पार्क और दुर्गा पूजा के समय जो आलीशान पंडाल लगते हैं वो नहीं देख पाए। बेस्ट टाइम टू विजिट कोलकाता इज फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग दुर्गा पूजा टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।